Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing about some guest questions related to biology practical of matric class. इसमें हमारे तीन क्वेश्चंस आते हैं, एक हमारी डायग्राम होती है, दूसरा स्लाइड्स प्रिपरेशन होती है, तीसरा प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स होते हैं। तो डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख लेते हैं, कौन कौन सी आ सकती हैं जो कि किडनी रिलेटेड है। किडनी की डायग्राम आती है, ह्यूमन आई की, सिस्टम ऑफ फॉग की, बोन स्ट्रक्चर की, सीड स्ट्रक्चर है, डी एन ए स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया, अमीबा और यूग्लिना, पैरामीशियम, बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन वाली। ये डायग्राम्स जो हैं वो मोस्टली रिपीट होके हर एक ग्रुप में आ रही होती हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। फिर जो सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल में आता है वो स्लाइड प्रिपरेशन का होता है। वो कोई भी स्लाइड्स सामने देते हैं और उनकी स्लाइड्स की आपने करेक्टरिस्टिक्स बताने होते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो आपका प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट से रिलेटेड होता है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसका आपने प्रोसीजर भी लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन भी, रिजल्ट भी। उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, फोटोसिंथेसिस का है, फूड टेस्ट का है, सीड जर्मिनेशन का है। सीड जर्मिनेशन में आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, अगर आप प्रैक्टिकल कॉपीज पे देखें तो उससे रिलेटेड तीन तीन चार चार पार्ट्स हैं सीड जर्मिनेशन के। एक मकई वाला है, एक चने वाला है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो सीड जर्मिनेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी पार्ट्स हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। फर्मेंटेशन वाला और रेस्पायरेशन वाला, रेस्पायरेशन में भी बहुत सारे आगे से पार्ट्स हैं। तो ये जो कुछ गेस्ट क्वेश्चन थे, जो टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको बताया कि जिस तरह के वो आ सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ दो ग्रुप्स के, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करूंगी कि कौन से वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि दो इन डिफरेंट ग्रुप्स में आए हुए हैं, तो उनमें क्या किस तरह की चीज़ें आई हुई हैं वो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। स्लाइड्स प्रिपरेशन का वो एट अ टाइम, उसी टाइम ही जो एग्जामिनर है वो आपको स्लाइड्स सामने शो कराएगा और उसके आपने करेक्टरिस्टिक लिखने होंगे। तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी किस्म की भी स्लाइड आ सकती है। चलें जी, अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है आपका, वो देख लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जी हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने डायग्राम बनानी है राइजोम की, राइजोम ऑफ जिंजर की, ठीक है, और इसको लेबल करना है। उसके तीन पार्ट्स में ये आता है कि तीन पार्ट्स को भी लेबल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में आइडेंटिफाई करेंगे स्लाइड्स को और उनके करेक्टर लिखेंगे। तो वो जो भी एग्जामिनर देगा पाँच स्लाइड्स, उन पाँच के नाम लिखने हैं आपने और करेक्टर भी लिखने हैं, दो तब दस नंबर ही बनेंगे। और क्वेश्चन नंबर थ्री का ए और बी पार्ट है, उनमें से एक करना है। तो ए में अब इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा उसके प्रोसीजर भी लिखना, ऑब्जर्वेशन भी, रिजल्ट भी। थर्ड का ए पार्ट जो है वो आपने माइक्रोस्कोप को यूज़ करके ऑब्जर्व करना है मूवमेंट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरा है वो प्रोपिगेट करना है स्टेम कटिंग को जिसमें रोज प्लांट है, तो उसका आपने सारा प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिखना है। तो ये इस तरह का है, प्रैक्टिकल कॉपी के तीन नंबर होते हैं, वाइवा के भी तीन नंबर होते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल आया हुआ है जी किसी एक ग्रुप का। अच्छा जी, ये हमारे पास जो एक और प्रैक्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डायग्राम अमीबा की बनानी है और उसके भी तीन पार्ट्स लेबल करने हैं। तो जो भी डायग्राम आती है उसके कोई भी तीन पार्ट्स आपको लेबल करने होते हैं। तो आप प्रैक्टिस जो भी डायग्राम्स की करेंगे उनकी लेबलिंग में कम अज़ कम तीन पार्ट्स के नाम याद कर लें, और फिर आइडेंटिफाई, सेकेंड क्वेश्चन ये होता है स्लाइड को आइडेंटिफाई करें। कोई भी पाँच स्लाइड्स होती हैं, उनके नाम भी आपने बताने होते हैं और उनके करेक्टर्स भी, एक करेक्टर भी बताना होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो आता है उसमें एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पर जो दो एक्सपेरिमेंट हैं वो एक है इन्वेस्टिगेट इंसेस्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एग्जामन ऑफ मेज सीड है। तो सीड जर्मिनेशन और मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको अच्छे से आपने तैयार करना है, और प्रैक्टिकल की मैंने ऑलरेडी बताया, प्रैक्टिकल बुक के तीन नंबर होते हैं जो कॉपी आपने तैयार की हुई होती है, और वाइवा के तीन नंबर होते हैं जो कि एग्जामिनर के ऊपर होते हैं, जो क्वेश्चन पूछेंगे उस लिहाज से आपने आंसर्स देने। तो एक और पेपर था जो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। 30 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल है 10th क्लास के बायो का। तो इस तरीके का, इस किस्म का प्रैक्टिकल आपका होता है।